हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखो, मेरी स्टार्टिंग होने वाली है इंगेजमेंट की। यहाँ पे गाइस दीदी का सूट चल रहा था, ये बाहर एंटर पे वीडियोग्राफर वाले दीदी का सूट चल रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा दीदी का भी सूट करना ज़रूरी है, तो मैंने भी यहाँ पर दीदी का सूट कर लिया। ये देखो, उनको शर्म आ रही थी, इधर धूप आ रही थी बहुत तेज। भाई करना तो पड़ेगा, शादी है ना, है ना। ये देखो क्या पोज मार रहे हैं, स्टाइल देखो। घूम घूम के यहाँ पे मिनर में वीडियो कराते हुए देखो, पूरी लहंगे का लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखो बैक में, वाह बैक भी सुंदर है। यहाँ दीदी नीचे थी तो यहाँ पे भैया है ना, भैया लोग है ना, सूट कर रहे थे दीदी का ऐसे करके। तो फिर मैंने भी पॉइंट पॉइंट कुछ कुछ जगह मैंने भी रखे हैं शॉर्ट्स दीदी के। अगर आप आगे देखिए यहाँ पे गाइस, ये मेरा लुक देखिए, ये फाइनल। मैंने कि दीदी आ रही, उससे पहले मैं अपना लुक पूरा रिवील कर दूँ यहाँ पे। तो ये मेरा लुक है। अब मेरी दीदी को देखिए, मेरी दीदी आ गई। हेलो गाइस, देखो ये मेरी दीदी कैसी लग रही हैं आप लोग बताना, अच्छी लगे तब भी कमेंट करना। चलो नीचे वो ही देख रहा हूँ, उमेश के साथ बैठा था एक, वो आई मेरे को नहीं मालूम, मैंने शायद पहली बार देखा होगा उनको। एक ढिंगाते समझते गले में थे, पांच छूटे गले में थे। रुको जरा, सबर करो, बोला था। यहाँ पे दीदी की एंटर होने जा रही थी, एंट्री के लिए फोटोग्राफर कह रहे थे एक साथ हो जाओ सारी लड़कियाँ, मतलब हम लोग एक साइड से हो गए थे। यहाँ पे दीदी की अब एंट्री होगी, यहाँ से जीजू को, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे जीजू को बुलाओ, मगर जीजू आ ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों, उनके पता नहीं क्या परिवार वालों ने मना कर रखी थी कि नहीं नहीं आप ही करा के लेके आओ, आगे से हो जाएंगे। यहाँ पे जीजू आए ही नहीं, तो कैमरा वाले बोल रहे थे भैया कि आपस में बात करो, कुछ ले रहे होंगे शॉर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह अपने, तो कह रहे आपस में बात करिए, आपस में बात करिए। तो यहाँ पे फिर हम आपस में बात करने लग गए। अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं। ये यार कैमरेमैन पे भी तो कितने थे, 6 या 7 कैमरेमैन थे यहाँ पर। देखो यहाँ पर चल दिए अब हम लोग, गाने की बोल रही थी दीदी, यहाँ गाना लगवाओ गाना लगवाओ। यहाँ पे हम लोग चल दिए, एंटर कर रहे थे ना यहाँ पे, तो सब लोग धीमे धीमे, भैया रील शूट कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, धीमे धीमे करके आज इंतज़ार ख़त्म हुआ दीदी का। इतने दिन से हम लोग इतना वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ भैया बोल रहे थे कि सब लोग है ना एक एक करके राउंड सर्कल बना लो, यानी कि एक एक की दूसरे के हाथ में बाजू डाल के ऐसे करके चलना है। तो यहाँ पे सब लोग देखो बाजू डालते हुए, मैंने कहा पिंकी तू भी पकड़, पीछे से वो भी पकड़ ली। यहाँ खड़ी थी दीदी ऊपर जाने के लिए, के मतलब ऊपर बुला रहे थे भैया ऐसे करके। अब देखो ऊपर जाती हैं, आज दीदी का घड़ी का इंतजार ख़त्म हुआ। ये इधर देखो ज्योति पूरा फोकस में है। यहाँ पे ये सब लोग बैठे थे दीदी के ससुराल वाले, यहाँ पे सब ये क्या बात है,
यहाँ पे जीजू शर्मा रहे थे, जीजू आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, पता नहीं उन लोगों का कुछ रिवाज होगा उधर से, तो हमने बोला एक साथ एंट्री करना है, मगर आए ही नहीं वो, पता नहीं क्यों। हम तो बार बार जा रहे थे, चलो जीजू, पर आए ही नहीं। मम्मी ने पता नहीं क्यों, उनकी सासू माँ ने मना कर दी थी। यहाँ देखो दीदी, वह ये बैठ गई भाई, फल फॉर्म में बैठी हैं, ये सब कुछ संभालते हुए पहुंच गई भाई फाइनली अपनी स्टेज पे बैठे। ये देखो, ये इतना सारा कितना सामान आया था, बहुत सारा सामान आया हुआ, ये दीदी का ये सब कुछ निकला हुआ रखा है। ये देखो सब उधर ही के हैं, दीदी की ससुराल की तरफ के हैं, सब लोग इधर बैठे थे, हम लोग तो पीछे बैठे थे। हम लोग फिर यहाँ पे दीदी की है ना ननद है ना, वो ये ननद है दीदी की, यही गोद भराई कर रही थी रखे। ये पीछे बड़ी सासू माँ खड़ी है दीदी की, ये वो जो साइड में बैठी हुई है वो जेठानी है दीदी की। ये सब लोग ऐसे करके अच्छा लग रहा था माहौल, पर ये है कि यहाँ सॉन्ग चल रहा था तो मैं सॉन्ग सुना नहीं सकती ना आपको। फिर ये फूल वूल की पता नहीं क्या, ये दीदी का जो भी कुछ सामान था गोल्ड वगैरह का सारा सब कुछ रख दिया। पीछे बड़ी सासू माँ है, सासू माँ थोड़ी नीचे बैठी थी, उनको दिक्कत थी कुछ प्रॉब्लम, इस वजह से ये फोटो वाला बता रहा था आपको ऐसे करना है आपको ऐसा। दीदी हंस रही थी बड़ी देर, इसके सारे पोज नहीं जा रहे, इधर करो इधर करो, ये दीदी हंस रही थी, ये भी हंसने लग गई सब लोग। या फिर ये जेठानी है दीदी की, बड़ी दीदी, वो फिर इनको मिठाई खिला रही थी कि चलो अब मैं भी तो कुछ कर दूँ, तो फिर वो मिठाई खिलाने लगी दोनों। दीदी है ना कह रही खा लो खा लो खा लो, दीदी कह रही मैं नहीं खा रही, खा लो, अरे खा लो। यहाँ पे कुछ सगुन रखा था, वैसे कहते हैं ना जैसे कुछ गोद में रखते हैं, ये वो चीज़ है डलिया टाइप की बोलते हैं ना, वो चीज़ रखी थी यहाँ पे। दीदी कह रही पूरा खा लिया था इन मिठाई, या बेचारी मुंह में मिठाई खाते हुए बैठी थी, हम लोग इधर थे तो हम लोगों को इशारे कर रही थी पानी दे जाओ पानी दे जाओ, पर हमने बोला नहीं पानी मत पियो नहीं तो ये लिपस्टिक छूट जाएगी। तो फिर कह रही यार तुम लोग ने बड़े परेशान कर रहे थे मेरे को, ये देखो बेचारी पूरा ही खाना पड़ा। या फिर ये दीदी और भाभी दोनों हमारी तरफ की है, दीदी और भाभी दोनों पहुंच गई थी कि चलो भाई हमारी भी पिक ले लो थोड़ी, तो मैंने कहा चलो इनकी पिक लेते हैं, फिर मैंने वीडियो शूट कर ली। यहाँ पे दीदी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कैमरा वाला कुछ कह रहा था, तो हंस रही दोनों लोग।